नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 20 दिसंबर। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका सही जवाब है श्री विनय कुमार जी को। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने घोषणा की है कि विनय कुमार जी को सर्वसम्मति से विधानसभा का उप अध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर चुना गया है। सो दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा के संबंधित आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम है स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का और दूसरा नाम अब जुड़ गया है डिप्टी स्पीकर श्री विनय कुमार जी का। दोस्तों अगर बात की जाए विनय कुमार जी की तो वो जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार MLA चुने गए हैं और हाल ही में उनको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की जिम्मेवारी मिली है। दोस्तों विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का काम विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करना होता है। स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और हाउस के डेकोरम को मेंटेन रखता है। उनका काम मेंबर्स को गाइड करना, डिस्कशन के दौरान रूल्स का पालन करवाना और हाउस की स्मूथ फंक्शनिंग का ध्यान रखना होता है। उन्हें स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्ट करने का भी काम मिलता है, जैसे कि हाउस में मीटिंग को मैनेज करवाना और मेंबर्स के बीच डिसएग्रीमेंट को रिजोल्व करवाना। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे ट्रैक पर HMU यानी कि हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की ट्रायल रन करवाए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर HMU ट्रेन यानी कि हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के ट्रायल रन करवाए जा रहे हैं। HMU ट्रेन का पूरा नाम सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। दोस्तों बताया जाता है कि इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता, इसके इंजन अपने ही कोच में लगे होते हैं, इसीलिए इसको सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। ट्रायल के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा 3 बोगियों वाली HMU ट्रेन तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इसके सक्सेसफुल रन के बाद नैरो गेज पर दौड़ने वाली ये देश की पहली HMU ट्रेन होगी और कालका से शिमला का 5 घंटे का सफर ये मात्र 3 घंटे में पूरा कर सकेगी। दोस्तों अगर बात की जाए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तो भारत सरकार की इंडियन रेलवे के अंडर आने वाली ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है। ये यूनिट रेल कोचेज और ट्रेन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद प्रसिद्ध सिस्सू झील कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है जिला लाहौल स्पीति में। दोस्तों सिस्सू लेक हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत एल्पलाइन लेक है। ये लेक लाहौल वैली में स्थित है जो कि नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ सराउंडिंग माउंटेन्स की रिफ्लेक्शन से भी मशहूर है। इस लेक का पानी जनरली स्नो मेल्ट से आता है जो कि सराउंडिंग माउंटेन से मेल्ट होता है। इस जगह का मौसम जनरली प्लेजेंट होता है, स्पेशली समर्स में ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। इन दिनों ये पूरी झील जमकर बर्फ बन चुकी है और हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झील के पास 2 पुलिस जवान तैनात कर दिए हैं ताकि कोई भी पर्यटक इस झील के अंदर ना जा सके, क्योंकि बर्फ से अनजान पर्यटकों के लिए यह झील जानलेवा भी साबित हो सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।